नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है आनंद विहार से सहरसा तक चलने वाली पुरबिया एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है पुरबिया एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन बिहार तक हफ्ते में 2 दिन चलती है। हर सोमवार और शुक्रवार को ये ट्रेन जो है आनंद विहार से सहरसा के लिए चलती है। और अगर हम बात करें इसके ट्रेन नंबर के बारे में तो इसका ट्रेन नंबर है 15280। अब ये जो ट्रेन है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पुरबिया एक्सप्रेस जो है आनंद विहार से हर शुक्रवार सोमवार और शुक्रवार को चलती है और आनंद विहार से सहरसा की जो दूरी है 25 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1181 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से स्टार्ट होती है, फिर गाज़ियाबाद होते हुए मुरादाबाद जंक्शन में पहुँचती है, बरेली जंक्शन होते हुए लखनऊ चारबाग में पहुँचती है, फिर गोंडा जंक्शन होते हुए ये ट्रेन जो है बस्ती गोरखपुर देवरिया सदर सिवान छपरा हाजीपुर शाहपुर पटौरी बरौनी होते हुए ये ट्रेन जो है सहरसा जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो पुरबिया एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊँगा वो आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन बिहार तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो पुरबिया एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी का आनंद विहार से सहरसा तक का टोटल किराया 3515 रुपये है, जिसमें 3287 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 168 रुपये है, टोटल किराया 3515 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड एसी के कोच भी हैं। सेकेंड एसी के कोच का आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन तक का किराया है 2075 रुपये, जिसमें 1926 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 99 रुपये है, टोटल किराया 2075 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का आनंद विहार से सहरसा जंक्शन तक का टोटल किराया 1440 रुपये है, जिसमें 1331 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 70 रुपये है, टोटल किराया 1440 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी की कोच है, जिसका टोटल टिकट किराया जो है आनंद विहार से सहरसा टर्मिनल तक का वो है 1340 रुपये, जिसमें 1236 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 64 रुपये है, टोटल किराया 1340 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के तकरीबन 6 कोच हैं, जिसका आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा तक का टोटल किराया 535 रुपये है, जिसमें 515 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल किराया 535 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी जनरल डिब्बों की बात करें तो 3 जनरल डिब्बे हैं जो कि ट्रेन के पीछे की तरफ लगाए गए हैं, जिसका आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा तक का जो टोटल टिकट किराया है वो है 300 रुपये, जो कि अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा एक कोच पेंट्री कार का भी शामिल है। पेंट्री कार को हिंदी में रसोईयन कक्ष कहते हैं, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपके टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको डायरेक्टली जो चार्जेस हैं पे करने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जंक्शन तक चलने वाली पुरबिया एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। पुरबिया एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15280, आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से हर सोमवार और शुक्रवार को शाम को 5:10 पर 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे 40 मिनट बाद अगले दिन शाम के 6:50 पर सहरसा जंक्शन बिहार में पहुंचती है। इसके तकरीबन जो हैं 23 स्टेशन हैं, 1181 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है गाज़ियाबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 5:43 पर पहुँचती है और 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मुरादाबाद जंक्शन में रात के 8:18 पर पहुँचती है और 8:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 152 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बरेली जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 10 बजे पहुँचती है और 10:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
और 243 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BE। इसके बाद शाहजहानपुर में यह ट्रेन जो है रात के 11:13 पर पहुँचती है और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 314 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SPN। शाहजहानपुर के बाद यह ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग उत्तर प्रदेश में रात के 1:55 पर पहुँचती है और 2:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 478 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है LKO। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुँचती है सुबह 4:40 पर और 4:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 596 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बस्ती रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है सुबह 6:27 पर पहुँचती है और 6:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद पूरबी एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से सहरसा तक चलती है, ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:55 पे और 8:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है सुबह 9 बजे पहुँचती है और 9:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 797 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है DEOS। इसके बाद यह ट्रेन जो है भटनी जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 9:26 पे पहुँचती है और 9:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 817 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है सिवान जंक्शन में पहुंचती है। सिवान जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 10:10 पर पहुंचती है और 10:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 866 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। छपरा जंक्शन बिहार में यह ट्रेन जो है सुबह 11:45 पर पहुँचती है और 11:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 927 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है CPR। इसके बाद सोनपुर जंक्शन बिहार में दोपहर के 1 बजे पहुँचती है और 1:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 982 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। सोनपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है SEE। हाजीपुर जंक्शन पटना, जो कि पटना के पास का स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 1:15 पर पहुँचती है और 1:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद शाहपुर पटौरी बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:05 पर पहुँचती है और 2:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1025 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SPP। इसके बाद बरौनी जंक्शन बिहार में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:30 पर पहुँचती है और 3:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1074 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन बिहार में दोपहर के 3:56 पर पहुँचती है और 3:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1090 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पूरबिया एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लिखमिनिया स्टेशन में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 4:16 पर पहुँचती है और 4:18 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1108 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है LKN। इसके बाद खगड़िया जंक्शन बिहार में शाम के 4:48 पर पहुँचती है और 4:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1130 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KGG। इसके बाद पूरबिया एक्सप्रेस ट्रेन जो है आनंद विहार टर्मिनल से चलकर मानसी जंक्शन बिहार में शाम के 5:28 पर पहुँचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1140 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MNE। इसके बाद पूरबिया एक्सप्रेस ट्रेन जो है सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है शाम के 6:01 पर और 6:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1164 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SBV।
इसके बाद आनंद विहार से सहरसा तक चलने वाली पूरबी एक्सप्रेस ट्रेन जो है अपने आखिरी स्टेशन सहरसा जंक्शन में यह ट्रेन जो है शाम के 6:50 पर पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक कि जो टोटल दूरी है 1181 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको पूरबिया एक्सप्रेस की वीडियो जो है पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।